गणेश जी, वैसे मेरा भी बचपन से एक सपना है कि मैं भी किक मारूं। मतलब स्कूटर पे ऐसा किक मार के उसके ऊपर बैठ के ऐसा घूमने जाऊं, फुर्र करके घूमने जाऊं। गणेश जी, अपना खुद का स्कूटर खरीदने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो अगर इस बार हो सके तो कोशिश करना। हाँ, सॉरी गणेश जी, सॉरी मैं आपको वापस डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कई बार बच्चों जैसा बिहेव करने लगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मैं वो स्कूटर वाली विश है ना मेरी, उसे भूल जाओ, वो पूरी मत करो। लेकिन गणेश जी, मेरे परिवार को जो चाहिए, मेरे बच्चों को जो चाहिए, उनकी इच्छा जरूर पूरी करना। हाँ गणपति जी, ये मोदक आपके लिए, हम आपके पास ही आ रहे थे ये विश लिस्ट लेकर, लेकिन अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक ही चीज चाहिए और वो है पापा के लिए एक स्कूटर। प्लीज गणेश जी, आप इस साल पापा को एक स्कूटर दे दो ना, प्लीज। हाँ गणेश जी, आप हमारी ये विश अगले साल भी पूरी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये विश पूरी कर दीजिए प्लीज। लिस्ट को छुपा। नहीं गणपति जी कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हम क्या चाहते हैं। पर मेहर, ये विश लिस्ट तो बंद है ना, तो फिर गणेश जी कैसे पढ़ पाएंगे? मानव, जो गणेश जी मन की बात पढ़ सकते हैं, तो फिर ये विश लिस्ट क्या चीज है? ये तो वो चुटकियों में पढ़ सकते हैं, है ना? गणेश जी प्लीज, आप इस लिस्ट को भूल जाइए, पर प्लीज हम दोनों की एक ही विश है कि पापा को एक स्कूटर मिल जाए। प्लीज आप हमारी विश पूरी कर दो। भयंकर, वाह, क्या बनाया आपने, विशाल, जबरदस्त, धारदार, असरदार हथियार, बिल्कुल मेरी तरह। पर भयंकर चल नहीं रहे इसके पंखे, और बिना चले है ये तो एकदम बेकार, बिल्कुल तुम्हारी तरह घूमेंगे, इसके पर भी घूमेंगे जब कोई से घुमाएगा। अच्छा है, जिसे घुमाना इसे है, कौन वो बदनसीब? तौबा तौबा। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, कहिए। तौबा तौबा तौबा, मतलब सोच रही आप घुमाएगा ये विशाल कोलू मैं? अरे वाह, तौबा तौबा, पहली बार हम दोनों एक जैसा सोच रहे हैं। नहीं नहीं करूंगा मैं ये परी भयंकर। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ तौबा तौबा, बल्कि आदेश दे रही हूँ कि तुम्हें इसी इन चक्र को चलाना है। लेकिन कर तो सकता ये काम कोई और भी। तो ठीक है, बन सकता है मेरा प्रधान कोई और भी। नहीं नहीं है, बड़ी बोली आप, बुरा मान जाती है मेरे मजाक का, मतलब कर सकता हूँ मैं ये, लेकिन
आ रहे हैं मुझे चक्कर, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ ठीक से। आप घूम रही है ये सारी दुनिया मेरे आगे गोल गोल। कौन सी दिशा में घूम रही है दुनिया तौबा तौबा? अब दाएं से बाएं। अब भी घूम रही है दाएं से बाएं दुनिया या रुक गई? नहीं नहीं, अब घूम रही है दुनिया बाएं से दाएं। बस परी भयंकर, दुनिया का तो पता नहीं लेकिन मेरी जिंदगी रुक जाएगी जरूर। तुम्हारी जिंदगी भले ही रुक जाए मगर वो हीम चक्र नहीं रुकना चाहिए, समझे तुम? बहाने बनाना बंद कर और जाओ। हूँ जाता मैं। तौबा तौबा, तौबा तौबा। सारे मोदक वैसे के वैसे ही है, एक भी कम नहीं हुआ। गणपति जी जल्दी जल्दी मोदक खाइए ना, क्योंकि जब आप मोदक खाएंगे तभी तो हम खा सकेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी आइए, मोदक खाइए ताकि हम खा सके। बल्लू बेटा सोया क्यों नहीं अब तक? दादी मैं गणपति जी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। गणपति जी का क्यों? क्योंकि जब वो आएंगे तभी तो हम मोदक खा पाएंगे। दादी दादी हमें नींद नहीं आ रही है, आप हमें कोई अच्छे से कहानी सुनाओ ना। हाँ लेकिन कहानी गणपति पापा की होनी चाहिए। हाँ। बच्चों आज मैं तुम्हें गणपति जी के स्वरूप के बारे में बताऊंगी। तुम्हें पता है गणपति जी का पूरा रूप, उनका हर एक अंग किसी ना किसी अच्छाई का प्रतीक है। सच्चे दादी? बल्लू लल्लू दादी कभी झूठ बोलेंगी क्या? तो दादी गणपति जी के दो दो बड़े बड़े कान क्या अच्छाई दर्शाते हैं? गणपति जी के बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि वो सब भक्तों की सारी बातें सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। हाँ एक बार उनके कान तक बात पहुंच जाए तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई समझो। अच्छा दादी उनकी लंबी सुन क्या दर्शाती है? उनकी लंबी सी सुन दर्शाती है कि वो भलाई और बुराई दोनों का भेद भली भांति जान सकती है। बुराई अगर किसी भी रूप में आए ना तो भी वो उसे पहचान लेती है। दादी गणपति जी का इतना बड़ा पेट क्या दर्शाता है? गणपति जी का इतना बड़ा पेट ये दर्शाता है कि उसमें सारी सृष्टि सारे लोग समाये हुए हैं और वो हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दादी उनका टूटा हुआ दांत क्या दर्शाता है? उनका टूटा हुआ दांत ये दर्शाता है कि कुछ सीखने के लिए ज्ञान पाने के लिए कभी कोई चीज का बलिदान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी बलिदान सीख और ज्ञान से बड़ा नहीं हो सकता। और दादी बस बस बस
आज के लिए गणपति का ज्ञान बस हुआ। जाओ अब सो जाओ, कल आरती के लिए जल्दी उठना है ना। दादी मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि अगर मेरे सोने के बाद गणपति जी आ गए तो मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। अरे बाद में मिल लेना, काफी दिन तक हमारे घर रुकने वाले हैं गणपति जी। चलो जाओ सो जाओ। चलो चलो गुड नाइट दादी। हाँ गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा। मेरे सामने ही आना गणपति जी, ताकि हम दोनों मिलकर मोदक खा सके। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। मेरे भक्त जब भी मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, मुझे उनके पास जाना ही पड़ता है, उनके स्वादिष्ट प्रिय मोदक का स्वाद लेने के लिए। इन स्वादिष्ट मोदक की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। शाप लगेगा आपको मेरा परी भयंकर। क्यों करवा रही इतना सारा काम इस नन्ही सी जान से? जोर लगा के हर्षा। जोर लगाओ तौबा तौबा, और जोर लगाओ। इस हीम चक्र की गति धीमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बर्फीली हवाएं चलनी चाहिए इस हीम चक्र की, जिसमें दबकर पूरा परिलोक समाप्त हो जाए। जोर से। बस कुछ ही देर में ये बर्फीली हवाएं परीलोक में चलने लगेंगी। परी बहुत ही जल्द परीलोक में सर्दी का मौसम और तुम्हारा बुरा समय शुरू होने वाला है। कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया? भी देखता हूँ।
अगर तुम यही हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरे सामने आने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा बालवीर। बालवीर, यहाँ तो कोई नहीं है, पर वो जो भी है जानता है कि मैं बालवीर हूँ। कौन हो तुम? और देखो, मैं बालवीर नहीं हूँ, मैं बल्लू हूँ। और तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। अच्छा, लेकिन मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा संसार मेरा घर है बालवीर। देखो, मैंने कहा ना, मैं बालवीर नहीं हूँ। मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मुझे पता है तुम परिलोक से आए हो। सात परियों ने अपनी शक्तियाँ दी है तुम्हें, और मेरे प्रिय बच्चों के रक्षक हो तुम। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? कौन सी परिया? कौन सा परिलोक? मैं कुछ नहीं जानता। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, वरना मेरी शिकायत करोगे? किससे करोगे? बाल परी से, गाल परी से, या अटकड़ी परी से, या भटकड़ी परी से, शायद विचार परी से, नटकट परी, या रानी परी। कौन हो तुम? और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? कौन हो? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड मेरा अपना है। मैं इस संसार के कण कण में हूँ, मन मन में हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, उनके पास होता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है ना तुम्हें? नहीं। तो जरा पीछे मुड़ो।